जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश का परिचय, ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। अगर आप एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की कर रहे हैं, एमपी पुलिस या फिर जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सबसे पहले आपको यही वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ये पूरा क्या है, आपका मैप है, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पूरा का पूरा परिचय, ठीक है। तो एक बार देखें इसे हृदय प्रदेश, बाकी और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, इसे मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो इसे नाम दिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश, जिसका जो मध्य प्रदेश नाम दिया किसने दिया, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। फिर इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है, ठीक है, मध्य भारत कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, ठीक है, नदियों का मायका कहा जाता है, कोहिनूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है, और लघु भारत कहा जाता है, ठीक है। तो इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है दोस्तों। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय प्रदेश किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश को, लघु भारत किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को, सोया स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को। इन तमाम नामों से जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। ये संयुक्त मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मतलब ये संयुक्त मध्य प्रदेश था इतना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है इसका विभाजन हो गया 1 नवंबर 2000 को। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति में अगर हम बात करते हैं, तो 21° 6' उत्तरी अक्षांश से 26° 30' उत्तरी अक्षांश इसकी भौगोलिक स्थिति है, 74° 9' से पूर्वी देशांतर से 82° 48' पूर्वी देशांतर में स्थित है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, भौगोलिक स्थिति। कभी कभी आपके एग्जाम में भौगोलिक स्थिति भी पूछी जाती है, ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। फिर बात कर लेते इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल इसका है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना, 308,252 ये मध्य प्रदेश का क्या है, कुल क्षेत्रफल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये भारत के कितने प्रतिशत है, तो ये जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, ये भारत के क्षेत्रफल के 9.38% है। तो ये भी पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत इसका क्षेत्रफल है, तो 9.38% इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों इसका विस्तार जान लेते हैं। विस्तार की बात करें तो इसकी जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई वो कितनी है, 870 किलोमीटर, ये भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 870 किलोमीटर है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों इसका विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, 605 किलोमीटर है। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पूरब से पश्चिम कितनी है, 870, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 605 किलोमीटर है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये आपका भारत है, और भारत में ये मध्य प्रदेश है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के उत्तर में देखो तो उत्तर प्रदेश स्थित है, यहाँ पर ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ठीक है,
और अगर पूर्व में देखो तो छत्तीसगढ़ स्थित है, ठीक है, और दक्षिण में देखो तो महाराष्ट्र, पश्चिम में देखो तो गुजरात स्थित है, और ये आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान। अब यहाँ से आपके कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों की सीमा से लगती है, तो आपका उत्तर होता है 5 राज्यों की, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, 5 राज्यों की सीमा से लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात है ना। दक्षिण में कौन से राज्य है, महाराष्ट्र। पूर्व में कौन सा है, छत्तीसगढ़। और उत्तर पश्चिम में कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप देख रहे हैं तस्वीर में दोस्तों, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में धान की बालियां हैं, गेहूं की बालियां हैं, ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, तो ये मध्य प्रदेश का दोस्तों राजकीय पशु है, ब्रेडरी प्रजाति का ये माना जाता है वारहसिंगा, ठीक है, वारहसिंगा ये ब्रेडरी प्रजाति का है, और मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ये प्रजाति पाई जाती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो ब्रेडरी प्रजाति का वारहसिंगा है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कान्हा किसली में पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब। ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं मलखम्ब खेल इस प्रकार से खेला जाता है, ठीक है, ये मलखम्ब खेल है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजकीय फूल की, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, तो राजकीय फूल है दोस्तों सफेद लिली, ये मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है सफेद लिली, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है राजकीय पक्षी, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, दूधराज, ये दूधराज है दोस्तों, साहे बुलबुल इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है, ठीक है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो राजकीय नाट्य ये माच है, इस प्रकार से आप देखें ये नाट्य है, कौन सा, माच है ना, और ये मालवा का माना जाता है नाट्य, मालवा से संबंधित है माच, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, ठीक है। अगला दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आप यहाँ पर तस्वीर में देखें ये बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अब आपसे पूछा जाएगा राजकीय मछली कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो कौन सी है, महासीर, ये देखो दोस्तों ये महासीर मछली है ना। तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली मछली है वो कौन सी है, महासीर है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखें राजकीय फसल, तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो क्या है, सोयाबीन, ये सोयाबीन की फसल है, और इसे सोयाबीन अधिकता में यहाँ पर उत्पादित किया जाता है, इसलिए इस प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है सोया स्टेट, इससे में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की उत्पादकता होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसलिए सोया स्टेट इसे कहा जाता है। अब दोस्तों भारत की संसद में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व क्या है, तो प्रतिनिधित्व देखें तो यहाँ जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, 11 सीटें हैं, है ना, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 29। आपको पता है भारतीय संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, जिसमें मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है, 11 सीट, और निम्न सदन होता है लोकसभा, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व है 29 सीट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गई। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में आपसे पूछा जाता है कि कुल कितनी संख्या है मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की, तो आपका उत्तर होगा 230, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला देखें दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आप देखें तस्वीर में ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ग्वालियर में स्थित है और दूसरी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, इंदौर में। तो दो खंडपीठ भी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कितनी खंडपीठ है, दो खंडपीठ हैं, है ना, तो एक कहाँ पर है, ग्वालियर में, और एक है इंदौर में, ठीक है।
अगला देख लेते दोस्तों मध्य प्रदेश के संभाग, तो ये 10 संभाग हैं, चंबल संभाग है, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा है ना, शहडोल, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग। ये क्या है, मध्य प्रदेश के संभाग हैं और कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 55 जिले हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पहले 50 जिले थे, 50 से एक जो जिला बना कौन सा, आगरमालवा, 51 हो गए, फिर आपका निवाड़ी जिला बना, 52 हो गए, ठीक है, फिर नागदा 53 और चचोड़ा और मैहर, ये आपके कुल मिलाकर कितने जिले हो गए, 55 जिले हो गए। सतना को विभाजित करके मैहर जिला बनाया गया, टीकमगढ़ को विभाजित करके निवाड़ी, गुना को विभाजित करके चचोड़ा और शाजापुर से आगरमालवा बनाया गया और उज्जैन से बनाया गया दोस्तों नागदा। तो इस प्रकार से कितने जिले हो गए मध्य प्रदेश के, 55 जिले हो गए, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। ये था मध्य प्रदेश का परिचय, ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम, एमपी से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश का परिचय जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और इसी प्रकार से ट्रिकी वीडियो का सीरीज चल रहा है दोस्तों, ट्रिकी वीडियो जरूर देखें, और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसमें सर्च करना IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है तो आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। फेसबुक पे जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।